आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से है, जहां एनकाउंटर में डॉक्टर का रेप कर उसे जलाकर मारने के चारों आरोपी मारे गए हैं। हैदराबाद पुलिस चारों आरोपियों के साथ मौके वारदात पर सीन रिक्रिएट कर घटना को समझने का प्रयास कर रही थी कि मुख्य आरोपी ने पुलिस वालों को पत्थर मारना शुरू कर दिया। यह देख उसके तीनों साथियों ने पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की। पुलिस से भिड़े ये चारों वैशी भेड़िए वहां से भागते, इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें एनकाउंटर में मार गिराया। हैदराबाद पुलिस ने महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस चारों आरोपियों को उस स्थान पर ले गई थी जहां उन्होंने दरिंदगी की इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे समझना चाहते थे कि अपराध कैसे हुआ। वे सीन रिक्रिएट करना चाहते थे। तभी मौके पर पहुंचते ही मुख्य आरोपी ने पत्थर उठाकर एक पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया। इस बीच बाकी के तीन आरोपियों ने मौका पाकर पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस ये भी कह रही है कि आरोपियों ने उन पर फायरिंग करने का प्रयास भी किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। आरोपियों ने ब्रिज के दूसरी तरफ भागने की कोशिश की और खेत में जाके वे मारे गए। वहीं साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जान ने कहा कि एनकाउंटर सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच हुआ है। इस बीच जैसे ही खबर सामने आई कि देर रात पुलिस इनको लेकर मौके पर पहुंची है, जहां पूरी घटना का रिएक्रिएशन किया जाना है, वहां सुरक्षा के बहुत माकूल प्रबंध नहीं थे। जो पुलिस पार्टी उनको लेकर गई थी उसी पर इन लोगों ने अचानक हमला कर दिया। इन लोगों के मारे जाने की खबर के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। जगह जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हैदराबाद पुलिस की तारीफ की जा रही है। एनकाउंटर की खबरों के बाद महिला डॉक्टर के पिता और बहन ने खुशी जाहिर की। पिता ने कहा कि 10वें दिन पुलिस ने चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया, अब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिली है। वहीं उसकी बहन का कहना है कि पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, अब लोग इस तरह की दरिंदगी करने से डरेंगे। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद से ही देश भर में जश्न का माहौल है। पीड़िता के परिवार ने भी पुलिस की कार्रवाई पर खुशी जताई है। वहीं पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पर देश की सभी वर्गों से हैदराबाद पुलिस की तारीफ मिल रही है। एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद से ही पीड़िता के घर के आसपास खुशी का माहौल बना हुआ है। इस बीच पुलिस को कहीं महिलाओं द्वारा राखी बांधी गई तो कहीं मिठाई खिलाकर खुशी जताई गई। एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मियों पर फूल भी बरसाए गए। वेटनरी डॉक्टर के घर के आसपास रहने वाले पड़ोसियों को जब एनकाउंटर की जानकारी मिली तो उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। पुलिस के काम की तारीफ करते हुए लोगों ने न सिर्फ जश्न मनाया बल्कि उन्हें मिठाई भी खिलाई। आरोपियों के एनकाउंटर के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में आम लोग जमा होने लगे थे। इस घटना की पुष्टि होने के बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर जमकर फूल बरसाए। इसके बाद लोगों ने पुलिस के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए खुशी मनाई। हैदराबाद एनकाउंटर ने महिलाओं का हौसला बढ़ा दिया है। मृतका के पड़ोसियों ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाने के साथ ही पुलिस वालों को राखी भी बांधी। ऑल द फोर अक्यूज्ड गॉट टुगेदर, दे स्टार्टेड अटैकिंग द पुलिस पार्टी विद स्टोन्स, स्टिक्स एंड अदर मटेरियल्स. And also they snatched away weapons from our two officers and started firing. So even though our officers maintained restraint and asked them to surrender, but without listening to us, they continued to fire and continued to attack us. So again our people started in retaliation. In that retaliation, the four accused got killed, and when we examined after the lull, we could find that all these bodies were with bullet injuries. So in this firing also, two of our police officers also got injured, head injury and other grievous injuries.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि महिला सुरक्षा आज एक गंभीर मुद्दा है। पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद को दया याचिका की समीक्षा करनी चाहिए। कोविंद ने यह बात राजस्थान के सिरोही में एक कार्यक्रम में कही। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को माफी नहीं मिलना चाहिए। मालूम हो कि दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात के बाद पूरे देश में आक्रोश भड़क उठा था। गृह मंत्रालय ने इस मामले के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका की फाइल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी है। इसमें दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की गई है। कोविंद ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जो आरोपी होते हैं उन्हें दया याचिका के प्रावधान से वंचित किया जाना चाहिए। दिल्ली दुष्कर्म कांड की पीड़िता के माता पिता ने राष्ट्रपति कार्यालय से मामले के दोषी विनय शर्मा द्वारा दायर दया याचिका की अस्वीकृति की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि यह दया याचिका मौत की सजा से बचने और न्याय के प्रयास में बाधा डालने का एक जानबूझकर किया जाने वाला प्रयास है। दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक चलती बस में 6 बदमाशों ने पैरा मेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी जघन्य हत्या कर दी थी। इसके बाद देश भर में गुस्सा फूट पड़ा था। इस विभस्त वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों में से एक ने जेल अभिरक्षा में ही फांसी लगा ली थी। दूसरी ओर एक अन्य आरोपी नाबालिग होने की वजह से छूट गया था। अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। इनमें से एक दोषी विनय शर्मा ने गत नवंबर को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी। अब गृह मंत्रालय ने इस याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और मध्य प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद बीजेपी ने कहा कि एमपी के विधानसभा अध्यक्ष कमलनाथ की अल्पमत सरकार बचाने के लिए लगातार गलत कार्रवाई कर रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर एसएलपी की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक कृष्ण तनखा द्वारा दायर इस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रहलाद लोधी मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। प्रहलाद लोधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतकी और पुरुषेंद्र कौरव ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय हो गया कि विधायक प्रहलाद लोधी 17 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे। इससे पहले जबलपुर हाई कोर्ट ने लोधी की सजा पर 2 महीने तक रोक लगा दी थी। दरअसल तहसीलदार से पिटाई के एक पुराने मामले को लेकर प्रहलाद लोधी को भोपाल में बनी स्पेशल कोर्ट ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। मामले में लोधी को जमानत भी मिल गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति ने विधानसभा से लोधी की सदस्यता को रद्द करते हुए सदन में एक पद रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी थी। जिस तरह से विधायक प्रहलाद लोधी जी के प्रकरण में राजनीति की, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका करारा जवाब दिया। कल्पना करें, 2/11 को निचली अदालत ने प्रहलाद लोधी जी के खिलाफ में एक फैसला दिया सजा का। अकेला 3 तारीख मिली और 4/11 को अध्यक्ष जी ने उसको सदस्यता समाप्त करने का चुनाव आयोग को भेज दिया। 6/11 को हाई कोर्ट का निर्णय आ गया और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो 6/12 है, 1 महीना हो गया। एक असंवैधानिक काम, एक इलीगल काम के कारण से एक विधायक को अपने विधायी कर्तव्यों को पूरा नहीं करने दिया। संसदीय अपराध मध्य प्रदेश की विधानसभा के सचिवालय के कहने पर अध्यक्ष ने किया। विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे कि प्रहलाद लोधी जी के द्वारा उनको उनके कर्तव्यों का पालन 1 महीने तक नहीं कर देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रबल जा सकता है क्या। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस में जमकर सियासत भी हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा था कि भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म करने का फैसला राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया था। भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर लगातार संसदीय अपराध कर रहे हैं। पहले उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रहलाद लोधी के पक्ष में फैसला दिया है, इसके बावजूद
अल्पमत की सरकार बचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष लगातार गलत कार्रवाई कर रहे हैं। हम विधि विशेषज्ञों से राय लेकर प्रहलाद लोधी के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। पचमढ़ी में सेना शिक्षा कोर में शहीद दीपक स्मारक गेट पर देर रात एक बड़ी वारदात हो गई। दो अज्ञात बदमाश आर्मी अफसर बनकर पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात सैनिकों की दो इंसास राइफल और राउंड चोरी करके भाग गए। इस वारदात के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत रेल SP भोपाल जबलपुर सहित सेंट्रल कंट्रोल रूम को सूचित कर दिया गया है। आसपास के जिले की पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। दो संदिग्ध आर्मी अफसर बनकर पिपरिया से टैक्सी लेकर पचमढ़ी आर्मी कैंप पहुंचे थे। इंसास राइफल और राउंड लेकर ये दोनों वापस पिपरिया रेलवे स्टेशन तक आए। जिस टैक्सी से ये पचमढ़ी गए थे उस टैक्सी के ड्राइवर से पूछताछ चल रही है। काले ट्रैक सूट पहने और कैप लगाए संदिग्ध ने आर्मी कैंप के संतरी को आर्मी अफसर बताकर प्रवेश किया। इसके बाद वहां रखी दो इंसास राइफल और राउंड लेकर वापस कार से पिपरिया के लिए निकल गए थे। ये मामला उजागर होने के बाद से हड़कंप मच गया है। जिले भर में नाकेबंदी कर दी गई है। बदमाश इंसास राइफल के साथ कई राउंड गोलियां भी ले गए हैं जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पचमढ़ी में सूचना मिली है, वहाँ आर्मी एजुकेशन सेंटर है और उसकी करीब का कंपनी है। उस कंपनी की दो इंसास राइफल और 20 जिंदा राउंड, दो व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति वो आए हैं और मिलिट्री अफसर अपने आप को बताते हुए और वो संतरी को धोखा देकर के राइफल ले गए। टैक्सी ड्राइवर के अनुसार यह दोनों लोग पंजाबी में बात कर रहे थे। जिनके पास जाते वक्त तो बंदूक जैसी कोई चीज नहीं थी, परंतु लौटते समय क्रिकेट बैग रखने वाला बैग जरूर कंधे पर टंगे थे। हैदराबाद पुलिस की हर तरफ तारीफ हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जब अपराधी भागने की कोशिश करे तो पुलिस क्या करे। बघेल ने इसे न्याय की संज्ञा दी है। वहीं जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इस मामले में पुलिस की सराहना की है। तेलंगाना में रेप कांड के चारों आरोपियों के एनकाउंटर मामले की हर तरफ तारीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोई अपराधी अगर भागने की कोशिश करे तो पुलिस के पास कोई और तरीका नहीं होता है। न्याय हुआ है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मुझे सूचना मिली है कि चारों लोगों को एनकाउंटर में मारा गया है और यदि कोई अपराधी इस प्रकार से भागने की कोशिश करे तो पुलिस पास कोई और तरीका नहीं होता और न्याय हुआ ऐसा कह सकता हूँ। सामान्य तौर पर एनकाउंटर पर बेवजह सवाल उठाने वालों में से अधिकांश इस बार वहशी दरिंदों के एनकाउंटर से खुश नजर आए हैं। जब सारा देश एनकाउंटर से खुश है तो नेताओं को भी अपनी खुशी जाहिर करना पड़ रही है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी पुलिस के इस काम को सराहनीय बताया है। तेलंगाना पुलिस ने जो काम किया है उसकी सराहना की जानी चाहिए। हैदराबाद पुलिस, तेलंगाना पुलिस बधाई के पात्र है। फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद में महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आरोपियों के मारे जाने की खबर के बाद आमजन में जश्न का माहौल बना हुआ है। लोग हैदराबाद पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। भोपाल में चारों बलात्कारियों के एनकाउंटर के बाद लोगों ने इसे सही ठहराया है। हैदराबाद में महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जिसके बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सही ठहराया है। आमजन का कहना है कि पुलिस के इस कार्य से अपराधियों में डर बनेगा और ऊंची मानसिकता वाले लोग ऐसी घिनौनी हरकत करने से डरेंगे। आज भोपाल में बच्चियां खुद को सेफ नहीं समझती हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठ गया है। आमजन ने आरोपियों के साथ हुए एनकाउंटर को सही ठहराया और साथ ही कहा कि भविष्य में इसका गलत उपयोग ना हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए। हमारा माहौल बाहर, वो ऐसा महसूस कर रही हैं लड़कियां कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं देखने मिल सकती हैं जो उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो सकता है। मैं सरकार से ये अपील करूंगा
आपके समाचार माध्यम से भी यही अपील करूंगा कि जो घटना घटी है ठीक है वो समाज में एक अच्छा मैसेज तो देगी, लोगों में डर जरूर पैदा करेगी, लेकिन ये एक सही सॉल्यूशन नहीं है। इसका संविधान के तहत सही सॉल्यूशन हो और नियम तो बन ही चुके हैं, क्यों ना उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए और फटाफट एक्शन लिया जाए। अब जरूरत डिसीजन बनाने की नहीं है, प्लान बनाने की नहीं है, अब उस हमने बनाए हुए प्लान पे एक्शन लेने की है। पुलिस की इस कार्रवाई का बच्चियों ने समर्थन करते हुए कहा कि ये अपराधियों के साथ सही हुआ है, इस एनकाउंटर के बाद अपराधियों में भय का माहौल बनेगा और वो ऐसी हरकत करने से डरेंगे। हैदराबाद में एक अमानवीय घटना होने के एक लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद जला दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को एनकाउंटर करके मार दिया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माइडस कोचिंग एकेडमी में, जहाँ हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं जो अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि एनकाउंटर हुआ तो सही हुआ या गलत हुआ। आइए हम बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम राघवेंद्र परमार है। आपको एनकाउंटर हुआ, आपको ये घटना पता है, रात में एनकाउंटर कर दिया गया है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, एनकाउंटर हुआ है और मेरे हिसाब से जो जिन्होंने अपराध किया है उनके दिल में डर बैठाने के लिए कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन ये सही है इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि देश में संविधान है, संविधान ने इतना बड़ा पॉक्सो एक्ट बनाया है, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं, उन धाराओं के तहत आप कार्रवाई करिए। जो पुलिस वाले जो एनकाउंटर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मामले आते हैं देश में, उनके खिलाफ इतनी तेज़ी से नहीं कर पाते और इनके लिए बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि जिन्होंने ये कांड करा है ऐसे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। इनका जी घटना है पूरे मर्द जात के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब लोग कहते हैं कि लड़कियों की स्कर्ट छोटी है, तो मैं कहता हूँ छोटी है उनकी स्कर्ट नहीं, हमारी सोच छोटी है, हमको अलग अलग नज़रिए से देखना चाहिए। और आज के दौर में लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, और मैं तो ये मानता हूँ कि आज लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा कर सकती है अपेक्षाकृत लड़कों से। तो इनका साफ तौर पर करना है अपनी मानसिकता बदले, लड़के लड़कियाँ छोटे कपड़े नहीं, अपनी लड़कों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ लड़कियाँ भी जुड़ी हुई हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे कि वो क्या सोचती हैं इस इनकाउंटर के बारे में। सर, मैं सोचती हूँ कि ऐसे इनकाउंटर देश में होते रहना चाहिए, जब जब ऐसे केस हो तब तब ऐसे इनकाउंटर हर बार होने चाहिए, क्योंकि अगर आज भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे भी ये डर रहता है कि कहीं ये घटना मेरे साथ ना हो, कहीं मेरे साथ गलत ना हो। क्योंकि अगर सरकार ने कानून बनाए हैं तो उस पर काम क्यों नहीं होता, अगर फांसी की सज़ा है तो उस पर सज़ा लोगों को दी क्यों नहीं जाती। अभी भी आज तक के जो निर्भया कांड हुआ था सर, अभी तक के उस पर कोई फांसी की सजा नहीं मिली, और नाबालिग है तब भी छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता हमारे देश में कि कानून बने हैं लेकिन उस पर काम नहीं होता? तो इनका साफ तौर पर करना है कि जो कानून है वो लचीला है, कानून के तहत काम नहीं किए जा रहे हैं, तो कानून को थोड़ा कड़क बनाने की आवश्यकता है, कठोर बनाने की आवश्यकता है। हमारे साथ और भी छात्र हैं। जी, आप बताइए। सर, मेरे हिसाब से भी सही हुआ है, क्योंकि अगर कानून है तो लागू होना चाहिए। ये तो इनकाउंटर हुआ है, ये तो कानून के तहत नहीं आता। हाँ, नहीं आता, पर सर लोगों को डराने के लिए सही है, क्योंकि लड़कियाँ असुरक्षित महसूस करती है। सर, मैं अगर घर से निकलती हूँ तो असुरक्षित लगता है, क्योंकि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए अगर इनकाउंटर हो रहे हैं तो होने देनी चाहिए। आए दिन यहाँ लोग ऐसे छेड़खानी करते रहते हैं, कमेंट पास करते हैं, उससे आहत भी होती है। हाँ सर, बुरा लगता है और डर भी लगता है, कहीं ऐसा हुआ तो हमारे साथ कौन होगा, कौन बोलेगा, इसलिए सर अगर पुलिस ने ये किया है तो बेटर है। तो बालिका का कहना है कि जो पुलिस ने किया है वो सही किया है। हमारे साथ और भी छात्राएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए, आप जो इनकाउंटर हुआ उससे आपको क्या लगा, सही किया या गलत? सर, मुझे तो ये लगता है बिल्कुल सही हुआ, जब तक ये नहीं होगा तो हम सुरक्षित कैसे होंगे, कहीं भी जाएंगे रात में यही सोचना पड़ता है कि कहीं कोई छेड़ ना दे हमारे साथ, कल को ये कुछ ना हो जाए, तो ये तो बहुत ही अच्छा और ये होना भी चाहिए। मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर यही एनकाउंटर 4 साल पहले होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा लड़कियों के साथ ही होता है, तो इसलिए एनकाउंटर पुलिस को करना चाहिए कि जो भी सजा है वो पहले से करते तो आज ये नहीं होता। हम ये तो लड़की बड़ी थी, कितने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है, तो फिर लड़कियाँ बहुत अनसेफ हैं, इसलिए पेरेंट्स को भी आजकल बहुत डर लगता है कि लड़कियों को कहीं बाहर भेजे कि नहीं भेजे, हम लोग खुद इतना अनसेफ, हम लोग बहुत अनसेफ है, इसलिए गर्ल्स को भी थोड़ा वो रहना चाहिए, और अगर यही चीज़ कई सालों पहले से होती तो अभी ये कुछ नहीं। कानून की बात अलग है, कानून अपना काम करता है, संविधान है, कानून है, कोर्ट है, कोर्ट अपने काम करते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं जाएंगे, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि जो इनकाउंटर किया गया है पुलिस द्वारा वो सही है। खासकर जो बच्चियां हैं उनका कहना है कि जो इनकाउंटर किया गया
वो सही है, क्योंकि इस तरह से इनकाउंटर करने से जो अपराधी होंगे उनमें एक डर बैठेगा। फिलहाल देखना ये होगा कि अब कानून आगे क्या करेगा और देश आगे क्या करेगा। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने वचन पत्र में कहा था कि अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित किया जाएगा, लेकिन सरकार बने एक साल होने को हो गए हैं और अभी तक अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया, जिससे कमलनाथ सरकार से नाराज अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस के वचनों को याद दिलाया। सिंगरौली में नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार को उनके चुनाव से पहले दिए वचन को याद दिलाया। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अतिथि शिक्षकों से वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर 90 दिन के अंदर अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित किया जाएगा, लेकिन कमलनाथ सरकार बने हुए एक साल हो गया और उसने अपना वचन नहीं निभाया है, जिससे अतिथि शिक्षक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो भोपाल में आंदोलन करेंगे और कांग्रेस को उनके वचनों को याद दिलाएंगे। मांगे ये हैं, जिला कलेक्टर महोदय को दिया गया है कि हमें जो है प्रदेश सरकार ने जो वचन दिया था अपने वचन पत्र में हम लोगों को रखा गया है कि जैसे हमारी सरकार बनती है अतिथि शिक्षकों को गुरुजी के तर्ज पे जो है नियमित किया जाएगा, लेकिन आज 10 महीने बीत गए हैं, आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हम सभी मजबूर होकर के पुनः आज ज्ञापन देने के लिए तैयार यहाँ पहुँचे हुए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को, उनको याद दिला रहे हैं कि आपने जो वचन दिया था उस वचन को निभाइए, अन्यथा हम सभी अतिथि शिक्षक पूरे प्रदेश के मजबूर हो जाएंगे भोपाल में आंदोलन करने के लिए। कुछ समय पूर्व महू के प्रशांति हॉस्पिटल के सामने खंडहर में मिले बच्चे की शव के मामले की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पूर्व महू के प्रशांति हॉस्पिटल के सामने खंडहर में मिले बच्ची के शव के मामले में पुलिस ने दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांति हॉस्पिटल के समीप खंडर में पुलिस को एक 4 साल के मासूम का शव मिला था। पुलिस को शव के पोस्टमार्टम के बाद मासूम के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। मासूम के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। क्षेत्र में लगे CCTV को खंगाल कर पुलिस आरोपी का सुराग जुटा रही थी। तलाश के दौरान पुलिस को शहर के प्रशांति हॉस्पिटल के पास रहने वाले अंकित का घटना में संलिप्त होने का पता चला। वहीं CCTV फुटेज में सामने आ रहे हुलिया के आधार पर पुलिस ने अंकित को हिरासत में लिया। पूछताछ में अंकित द्वारा घटना को अंजाम दिए जाना कबूल किया गया। बच्ची के साथ अपेरेंटली गलत कृत्य भी हुआ था और उसने फ्रॉक पहना हुआ था और गलत कृत्य भी प्रतीत होता था कि हुआ है और उसकी PM कराया गया। PM में स्पष्ट हुआ कि ये बलात्कार का मामला है और उसके साथ साथ उसका मुंह दबा के जिसे सफोकेशन से या उसको स्मदरिंग बोलते हैं उससे इस बच्ची की मृत्यु हुई थी। कभी 48 घंटे हुए हैं, आज उसको सॉल्व भी कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति का नाम है अंकित, पिता कमल सिंह, 26 वर्ष का है ये। ग्वालियर में अपने पिता के साथ जा रही एक नाबालिग लड़की के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की। लड़की ने इस घटना का विरोध किया और लोगों ने युवक की पिटाई लगाई और पुलिस के हवाले कर दिया। माता पिता के साथ बाजार जा रही नाबालिग लड़की के साथ सरेराहा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। लड़की ने इस घटना का विरोध किया तो छेड़खानी कर रहे युवक को जनता ने अच्छे से सबक सिखाया। लोगों ने इस युवक पर जमकर हाथ साफ किए और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इस बदमाश युवक की पिटाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। एक ढाबा संचालक की पुलिस वालों ने लात घूसों से पिटाई लगा दी। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने पुलिस वालों से खाने के पैसे मांग लिए थे। ढाबा संचालक की शिकायत पर SP ने कार्रवाई करते हुए एक SI और आरक्षक को निलंबित कर दिया है। छतरपुर के हरपालपुर में ढाबा संचालक के साथ पिटाई के मामले में SP ने एक SI और आरक्षक को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व रूसिया ढाबा पर काकुनपुरा के चौकी प्रभारी नरेंद्र शर्मा और आरक्षक दीपक साहू खाना खाने गए थे। जब वह खाना खाकर जा रहे थे तभी ढाबा संचालक राजीव रूसिया ने उससे खाने के पैसे मांगे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने गुंडागर्दी करते हुए ढाबा संचालक की लात घूसों से पिटाई कर दी। पिटाई का यह वीडियो ढाबे में लगे CCTV में कैद हो गए।
जिसके बाद पीड़ित ढावा संचालक ने इसकी शिकायत एसपी से कर दी। कल दो जने आए सब, खाना लगा, अंडा कहीं लगवाई, खाना खाने के बाद पैसा मांगे हमने, मानने लगे, जानते नहीं हमें क्या खाने में हूँ। दीपक साहब, अच्छा ये कौन है? ये पुलिस, बोले पुलिस वाले हैं, हमारे संग ऐसा ही साहब है, शिकायत थाने में करने के उन्होंने हमारी कोई रिपोर्ट लिखी नहीं। ढाबा संचालक की शिकायत पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया और इस पूरे मामले की जांच नौगांव एसडीओपी को करने के आदेश दिए हैं। हाँ, वीडियो मेरे भी संज्ञान में आया था जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट का दिखाई दे रहा है और उसको संज्ञान में लेकर कि ये ज्ञात हुआ कि एक परीक्षाधीन उपनिरीक्षक और कोई आरक्षक साथ में है, प्रथम दृष्टया दोनों की लापरवाही पाई जाने से दोनों को रक्षित केंद्र संबद्ध किया गया है। जांच एसडीओपी नौगांव को सौंपी गई है कि वास्तविक कारण झगड़े का क्या है, किसकी क्या गलती थी, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मिशन साहसी कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन में बड़ी संख्या में छात्राओं और महिलाओं ने भाग लिया। हैदराबाद जैसी घटना सिंगरौली में न हो, इसके लिए बेटियों को सजग, निडर और मजबूत बनने की प्रेरणा दी गई। सिंगरौली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मिशन साहसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में छात्राओं महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर सिंगरौली की महापौर प्रेमवती खैरवार और पुलिस चौकी प्रभारी प्रियंका शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। इस दौरान सभी ने अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया। सुन कुमारी स्टेडियम में कोच और टीचर अरविंद ने सभी को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला संयोजक पूर्णिमा सिंह ने लड़कियों से अपील की, लड़कियां निर्भर नहीं निडर बने। लड़कियों ने हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं के नारे भी लगाए। साथ ही कहा कि यदि सिंगरौली में हैदराबाद जैसी घटना हुई तो सिंगरौली की बेटियां मुंह तोड़ जवाब देंगी। बेटियां किसी से कम नहीं, आत्मरक्षा के लिए बेटियां हमेशा सक्षम है। आज के समय में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज की बेटियां सेना, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सहित कई क्षेत्रों में काम ही नहीं कर रही बल्कि ऊंचे मुकाम हासिल कर रही है। भोपाल के होमगार्ड परेड ग्राउंड पर होमगार्ड से एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान होमगार्ड्स के जवानों ने बेहतरीन परेड का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्रों को गृह मंत्री बाला बच्चन ने पुरस्कृत किया। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस का आयोजन भोपाल के होमगार्ड्स परेड ग्राउंड में किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में होमगार्ड्स के जवानों ने परेड का प्रदर्शन किया और सलामी दी। पूरा मैदान होमगार्ड्स और पुलिस के जवानों से भरा हुआ था। पुलिस बैंड पार्टी ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। बाला बच्चन ने कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत किया। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बाला बच्चन ने कहा, सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं ना घटें। अगर हो जाती हैं तो उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में माफियाओं को लेकर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि माफिया कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बाला बच्चन ने निशाना साधते हुए कहा कि अब शिवराज सिंह चौहान केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे। शिवराज सिंह जी से आप लोगों के माध्यम से पूछना और जानना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठते हैं? मध्य प्रदेश के किसानों पर, मध्य प्रदेश वासियों पर जो आपदा विपत्ति संकट जो आया है, आप क्यों उपास नहीं करते हैं? आप क्यों साइकिल से आना जाना नहीं करते हैं? आप केंद्र सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? आज जो कर रहे हैं ये तो राजनीतिक ढकोसला और दिखावा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।